हेलो एंड वेलकम टू 38th एपिसोड ऑफ नी पेन रिलीफ सीरीज। आई एम डॉक्टर वरुण वासिल और आज हम इस वीडियो में बात करेंगे नी क्रेपिटस के बारे में। क्रेपिटस वो चीज़ होती है जैसे आप लोग कहते हैं कि हमारे घुटने में से आवाज़ आती है, पॉपिंग साउंड आ रही है, ग्राइंडिंग साउंड आ रही है, या हमको बहुत सारे लोग कहते हैं हमारे घुटनों में से पटाखे की आवाज़ आती है। तो ये पटाखे क्यों आवाज़ आती है, क्या कारण होता है इसका और क्या ट्रीटमेंट होगा, वही मैं सारा इस वीडियो में बताऊँगा। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। तो नी क्रेपिटस, क्रेपिटस मतलब जो घुटनों से आवाज़ आ रही है पटाखों वाली, तो वो कारण उसका क्या होता है। तीन तरह के कारण हो सकते हैं। एक तो बोन टू बोन होता है, यानी कि हमारा जो फीमर होती है और टिबिया होती है, ये दो बोन्स होती हैं, इसके बीच में जब जॉइंट स्पेस कम हो जाती है ऑस्टियोआर्थराइटिस में, तो बोन टू बोन जब वो टकराने लगता है, कार्टिलेज खराब हो गया तो बोन क्या करेगा, मेनिस्कस खराब हो गया, तो उसकी वजह से क्या होगा, बोन में जो गैप है वो दोनों में कम हो जाता है, तो आपस में वो टकराते हैं तो उसकी वजह से आवाज़ आती है, पहली बात। दूसरी बात, हमारा जो पटेला होता है जिसको हम चपनी बोलते हैं, जब वो पीछे से ग्राइंडिंग करती है, जब हमारा नी जब फोल्ड करके हम खोलते हैं, नी बेंडिंग कर रहे हैं और खोल रहे हैं, या सीढ़ी चढ़ रहे हैं उतर रहे हैं, तब हमारा पटेला जो है वो अपनी ग्रूव में पीछे से इस तरह से ग्लाइड करता है। जब पटेलो फिमोरल सिंड्रोम होता है या कॉन्ट्रोमलेशिया पटेला होता है, तो वो जो ग्राइडिंग होती है वो ख़राब हो जाती है, मतलब ग्लाइड जो उसने सीधा करना होता है वो कभी इधर को करता है, कभी इधर को करता है, तो बोनी मार्जिन जब आपस में टकराते हैं तो ग्राइंडिंग की आवाज़ आती है, ऐसा लगता है जैसे कुछ क्रिक क्रिक करके बीच में से निकल रहा है। कईयों को तो ऐसी साउंड आवाज़ लगती है कि जैसे बीच में से कुछ चल रहा है, और कई बार क्या होता है चलते चलते नी बकलिंग भी करता है, पटाखे के साथ नी बकलिंग भी करता है, इसको क्रेपिटस बोलते हैं। एक होता है जब हमारे लिगामेंट्स इतने लूज हो जाते हैं, इतने वीक हो जाते हैं कि हमारे जो वेट है, बॉडी वेट जब हम डालते हैं तो चलते चलते घुटने में से चीची की आवाज़ आती है, जैसे हमारे डोर में से जब हम डोर को खोलते हैं या बंद करते हैं तो इस तरह की आवाज़ आती है, जब जैसे कोई बीच में कोई चीज़ फंस रही हो। तो ये तीन कारण होते हैं क्रेपिटस के। क्रेपिटस आपको पता लग गया, जो पटाखे की आवाज़ आ रही है उसको क्रेपिटस बोलते हैं। अब ये पॉपिंग भी हो सकती है, ग्राइंडिंग भी हो सकती है, और किसी भी तरह की और भी साउंड आपको लग सकती है। तो ये कारण होता है हमारा क्रेपिटस होने का। अब कौन लोगों को डरना चाहिए पटाखे की आवाज़ से, कई लोग बहुत घबरा जाते हैं कि हमारे नी में से बहुत आवाज़ आ रही है, क्रिक क्रिक की आवाज़ आ रही है, इससे वो बहुत घबरा जाते हैं। तो नॉर्मल जो क्रेपिटस होता है वो हमें उससे घबराना चाहिए। अगर आपका पेनफुल क्रेपिटस है, यानी कि जब पटाखा बज रहा है नी में से या आवाज़ आ रही है नी में से और साथ में पेन भी हो रही है, फिर हमें घबराने की ज़रूरत है। या रेडनेस स्वेलिंग हुई पड़ी है उसके अराउंड, जब भी आपका नी फोल्ड करके आप खोल रहे हो और जब क्रिक क्रिक की आवाज़ आ रही है और साथ में पेन हो रहा है, तब समझिए प्रॉब्लमेटिक है। और अगर बाय चांस कभी कभी किसी किसी दिन आपको आवाज़ आ रही है नी को बेंड करते हुए, खोलते हुए या चलते हुए, अगर वो पेन फ्री है, फिर आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो कई बार जो बबल्स होते हैं, नाइट्रोजन ऑक्साइड के बबल होते हैं हमारे सिनोवियल फ्लूइड में, जब वो फटता है, बबल फटता है, तो उसके बीच में से फिर जॉइंट में से आवाज़ आती है, जब जॉइंट में ऐसे उसकी स्पेस क्रिएट हो जाती है एक, तो वो बबल बन जाता है, जब वो निकल जाता है तो इसकी एक आवाज़ आती है। तो इसलिए उससे घबराने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि वो पेन फ्री होता है। ऐसे मैंने एक जॉइंट्स क्रैकिंग साउंड के एक वीडियो बनाया हुआ है, उसको जाके आप देख लें, उसमें आपको समझ आ जाएगा कि क्या होती है जॉइंट क्रैकिंग, ये करनी चाहिए, इस तरह की आवाज़ें निकालनी चाहिए कि नहीं चाहिए, ये मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ये जाके आप ज़रूर देख लीजिए। अब मेनली बात करके नी जॉइंट में, अब नी जॉइंट में जो साउंड आ रही है, वैसे तो अगर पेनफुल है और आपकी एज 50 से प्लस है, तो इसका कारण हो सकता है हमारा जो बोन टू बोन, वो ऑस्टियोआर्थराइटिस हो सकता है। ऑस्टियोआर्थराइटिस के लिए अब क्या क्या, हमें क्रेपिटस को रोकने के लिए क्या क्या करना चाहिए, सबसे ज़रूरी है मसल की स्ट्रेंथनिंग, क्योंकि जितने मसल स्ट्रांग होंगे उतना हमारा जो जॉइंट है उस पर स्ट्रेस कम आएगा, जॉइंट पर स्ट्रेस कम आएगा तो बोन टू बोन फ्रिक्शन भी कम होगा। और इसी तरह से अगर किसी की एज 50 से कम है या 30s-40s में है, तो उनको पटेलो फिमोरल सिंड्रोम होने का बहुत खतरा रहता है, जो ज़्यादा साइकिलिंग करते हैं उनको बहुत खतरा रहता है, तो उनकी जो ग्लाइडिंग है वो पटेला की वजह से आवाज़ आएगी। आप इस तरह से नोट भी कर सकते हैं, इस तरह से आप सिटिंग में बैठ जाइए, अपने पटेला के अराउंड इस तरह से ना अपने हाथ रख लीजिए, एक थंब रख लीजिए, इंडेक्स फिंगर रख लीजिए, इस तरह से दोनों पटेला में रख लीजिए। अब सिंगल सिंगल जैसे मान लो राइट में आवाज़ आ रही है, तो राइट नी को आप इस तरह से उठाइए और आप पटेला की मूवमेंट देखना, आपका जो पटेला है वो एक तरफ को जाएगा और साथ में साउंड करेगा, और आपको ये साउंड फील होगी अपने जो हाथों में अगर आपने लगाया हुआ, तो ये साउंड फील होगी कि जब पटेला मूव कर रहा है इस तरह से तो उसकी जो ग्लाइडिंग है वो ख़राब हो रही है और साथ में साउंड आ रही है। और अगर ये साउंड पेनफुल है तो आपको इसका ट्रीटमेंट ज़रूर करना चाहिए। और अगर मैं तो वैसे कहूँगा कि जो पटेलो फिमोरल सिंड्रोम की वजह से नी को सीधा करने और बैंड करने में पेन आ रहा है या साउंड आ रहा है, अकेला साउंड भी आ रहा है, तो भी उसका ट्रीटमेंट करना चाहिए, क्योंकि ये इंडिकेशन है कि हमारा पटेलो फिमोरल सिंड्रोम बढ़ सकता है
और ये आवाज़ कल को जाके पेन में भी कन्वर्ट हो सकती है, तो ये बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। पैटेलोफेमोरल सिंड्रोम वालों को मैं खासकर ध्यान रखता हूँ, क्योंकि वो एक तो यंग पेशेंट्स होते हैं, यंग एडल्ट्स होते हैं, और उनका जो ऑस्टियोआर्थराइटिस की वजह से पेन नहीं होता, यानी कि बोन टू बोन गैप कम होने की वजह से पेन नहीं आ रहा है, उनके वजह से आवाज़ नहीं है, उसकी आवाज़ है पटेला की वजह से। तो ये हम ट्रीट कर सकते हैं अगर हम अर्ली स्टेजेस में इसको पकड़ लें। तो पैटेलोफेमोरल सिंड्रोम में सबसे पहले हमने क्या करना है, इस तरह से सीधे लेट गए, राइट लेग में प्रॉब्लम आ रहा है, तो हमने क्या करना है, इस तरह से राइट लेग को ट्विस्ट कर देना है, हल्का सा एक्सटर्नल रोटेशन कर देना हिप का, यानी कि इस तरह से रख के, और इसको टेढ़ा उठाना है साइड से, यानी कि इस तरह से, ये साइड से हमने अपना पैर उठा लेना है, ये 30 डिग्री उठाना है, उससे ज़्यादा नहीं उठाना। अब इसको जब आप होल्ड करेंगे तो आपको एक शार्प यहाँ पे स्ट्रेंथ फील होगी, जोर लगेगा इस मसल का, तो ये है VMO मसल जो कि पटेला को कंट्रोल करेगा, ये पटेला को कंट्रोल करेगा तो उसकी ग्लाइडिंग भी परफेक्ट हो जाएगी। तो इस तरह से हमने ये साइड रखा, टेढ़ा किया एक तरफ को और इसी तरह से उठा लिया, ये करनी हमने फर्स्ट एक्सरसाइज। अब इसमें अगर और रेजिस्टेंस चाहिए तो हम ये रेजिस्टेंस लूप यूज़ कर सकते हैं, ये दोनों पैरों के लिए जगह बनी होती है, तो इस तरह से इसको, सिलिकॉन का मटेरियल होता है, तो आप इसको ऑर्डर भी कर सकते हैं, नीचे लिखे नंबर पर जाके आप ऑर्डर कर सकते हैं रेजिस्टेंस लूप को। तो इसको इस तरह से रख लेना रेजिस्टेंस लूप के लिए, और टेढ़ा हो जाना हमने इस तरह से, और पैर के नीचे रख के टेढ़ा होके इसको भी इस तरह से हम रेज कर सकते हैं, तो ये विद रेजिस्टेंस हो जाएगा, टेढ़ा इसको उठाना है ऐसे, घुटना हमारा सीधा होना चाहिए और अकड़ा के रखना है। तो इस तरह से हमने रेजिस्टेंस लूप के साथ हम एक्सरसाइज कर सकते हैं। सेकेंड, क्वाड्रिसेप्स को स्ट्रॉन्ग करना है, तो उसके लिए भी सीधा लेट जाना है और इस तरह से लूप को हमने खींचना है, ये इस तरह से, ये, और ये लूप स्पेशली पेशेंट्स के लिए होती है ताकि उतने ही उनका जोर लग सके, उतनी उसके में फ्लेक्सिबिलिटी हमने रखी हुई है। तो इस तरह से हमने स्ट्रेट लेग रेज करना है, ये क्वाड्रिसेप्स के लिए हो गया। सेकेंडली, एबडक्शन के लिए, अब ये जो है एबडक्टर्स जो हैं ये भी बहुत ज़रूरी हैं, अगर जितने हमारे हिप एबडक्टर स्ट्रांग होगा उतना जॉइंट पर स्ट्रेस कम आएगा, तो एबडक्शन के लिए भी लूप को इस तरह से साइडवेज खोलना है, इस तरह से साइडवेज। और एक और चीज़ कर सकते हो आप साइड लेके, ये मैंने ऑस्टियोपोरोसिस में भी एक्सरसाइज बताई थी, तो इस तरह से हम साइड लेके भी इसको खोल सकते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। नेक्स्ट आएगा, हमने उल्टा लेट जाना है, अब हम करेंगे पटेला की ग्लाइडिंग को परफेक्ट, जिसको भी एक्यूट प्रॉब्लम आ रही है तो वो क्या करेगा, इस तरह से उल्टा लेट जाएगा, उल्टा लेट के अब नी को धीरे धीरे फोल्ड करना है 90 डिग्री पे, इस तरह से 90 डिग्री फोल्ड किया और धीरे धीरे वापस लेके जाना है, ये नी को सीधा रखना है, नी को जो है इधर या इधर नहीं लेके जाना, ये क्या करेगा सीधा जाएगा, 90 डिग्री रखेंगे और उसके बाद धीरे धीरे वापस लेके जाएंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। इससे क्या होगा, जो पटेला है वो अपनी ग्लाइडिंग में प्रॉपरली, जो हमारे ग्रूव है उसमें पूरी तरह से ग्लाइड कर पाएगा। तो ऑस्टियोआर्थराइटिस जिसकी वजह से हमारा नी में गैप कम हो रहा है, उसकी वजह से बोन टू बोन प्रॉब्लम आ रही है, तो इस तरह से नी प्रेस बॉल को इस तरह से आइसोमेट्रिक करना है, नी को प्रेस किया फिर छोड़ दिया बॉल के ऊपर, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है, ये भी आप ऑर्डर करने के लिए नीचे लिखे नंबर पर जाके ऑर्डर कर सकते हैं। तो ये सब जो पटाखों की आवाज़ आ रही है ये सारी वो एक्सरसाइज कर सकते हैं लोग, प्रेस किया फिर उसको छोड़ दिया, इस तरह से हम 20 टाइम्स कर सकते हैं इसको, दिन में 2-3 बार करिए। तो नी की हर कंडीशन की प्रॉब्लम के लिए हमारा जो काफ मसल है उसका रिलैक्स होना, उसका बिल्कुल फ्लेक्सिबल होना बहुत ज़रूरी है, और साथ में हैमस्ट्रिंग का प्रॉब्लम यही आती है, लोग हैमस्ट्रिंग मसल को टाइट रखते हैं और क्वाड्रिसेप्स को स्ट्रेच करते रहते हैं, जबकि उल्टा होना चाहिए, क्वाड्रिसेप्स में स्ट्रेंथ होनी चाहिए और हैमस्ट्रिंग हमारा फ्लेक्सिबल होना चाहिए। तो ये हम यूज़ करेंगे स्ट्रेचिंग बेल्ट, ये पूरा मैंने एक स्ट्रेचिंग का वीडियो बनाया हुआ है, वो जाके आप देख सकते हैं, उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा कि किस तरह से हम स्ट्रेचिंग बेल्ट यूज़ करके अपने काफ मसल को स्ट्रेच कर सकते हैं। तो इस तरह से बेल्ट को यूज़ करेंगे, क्योंकि ये बेल्ट होती है रिजिड, ये स्ट्रेचेबल नहीं होती, ये रिजिड होती है, इससे हमारी जो स्ट्रेंथ है और जो हमारा स्ट्रेच है वो बड़ा अच्छा आता है। तो इस तरह से हमने रख लेना है, और चाहे पिल्लो को आप इस तरह से इसके नीचे रख लीजिए ताकि थोड़ा सा हमें सपोर्ट मिल जाए और पैर ऊंचा हो जाए। अब इस तरह से बेल्ट से हमने टोज के ऊपर रख लेना बेल्ट को, और उसके बाद इसको स्ट्रेच करना है ऐसे, ये काफ मसल की स्ट्रेचिंग हो गई। और अगर किसी को बैक की प्रॉब्लम आती है तो आप वो बिल्कुल सपोर्ट लेके बैठ सकते हैं बेड के साथ, तो इस तरह से हमने बांध लेना है और इस तरह से स्ट्रेच करना है, ये देखिए अब ये पूरा काफ पे स्ट्रेच आ रहा है। तो अगर हमने काफ और हैमस्ट्रिंग को इकट्ठा स्ट्रेच करना है तो इस तरह से बेल्ट को हमने रोल कर लेना है ताकि ये पैर से निकले नहीं, अब हैमस्ट्रिंग और जो काफ है वो इकट्ठा स्ट्रेच हो जाएगा। तो इस तरह से हमने ग्रिप कर लिया उसको रोल करके, अब पैर को इस तरह से उठाएंगे,
ये देखिए स्ट्रेच करने के लिए हैमस्ट्रिंग को इस तरह से स्ट्रेच किया और उसके बाद पैर को और स्ट्रेच कर लिया अपनी तरफ। अब ये काफ और हैमस्ट्रिंग दोनों स्ट्रेच हो जाएंगे, ये स्ट्रेच होने फ्लेक्सिबल होने बहुत जरूरी है। दूसरी लेग फोल्ड रखिए ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना आए बैक में। तो ये देखिए इस तरह से हम स्ट्रेचिंग कर सकते हैं, ये स्ट्रेचिंग बहुत हेल्पफुल होती है। और जरूरी नहीं कि सबने 90 डिग्री तक लेके जाना है, जिसका स्ट्रेच 60-70 जहाँ पे आता है वहाँ पे उसको स्ट्रेच करिए। तो ये बेल्ट बहुत हेल्पफुल होगी, इसकी होल्डिंग भी अच्छी है और रिजिड भी है। इसको भी ऑर्डर करने के लिए नीचे लिखे नंबर पे जाके ऑर्डर कर सकते हैं आप। ये दो चार प्रोडक्ट आपके पास घर में हमेशा होने चाहिए ताकि हम नीज की एक्सरसाइज प्रॉपर कर सकें। ये एक्सरसाइज करके क्रैपिटिस काफ़ी हद तक ख़त्म हो सकता है, और अगर पेनफुल नहीं है क्रैपिटिस तो घबराने की कोई बात नहीं। बहुत लोग घबरा जाते हैं, मेरे नी में से तो आवाज़ आ रही है, तो वो जो आवाज़ है वो नॉर्मल भी होती है। अगर पटेला से हो रही है तो इमीडिएटली अपना ट्रीटमेंट शुरू कर दें, एक्सरसाइज शुरू कर दें। और एक और बात, अपना विटामिन डी और कैल्शियम जो है वो ज़रूर खाया करें, इससे हमारे जॉइंट्स और बोन्स हैं वो स्ट्रांग होते हैं, और जॉइंट पे स्ट्रेस कम से कम डालें। कैसे बैठना है, कैसे सोना है, उसके लिए ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाया हुआ है, वो भी जाके आप देख सकते हैं, उसका मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ओवर स्ट्रेचिंग बंद करिए, स्ट्रेंथ की तरफ ध्यान दीजिए, कौन से मसल को स्ट्रेच करना है वो मैंने बता दिया। तो ये था हमारा वीडियो क्रैपिटस के ऊपर, उसकी एक्सरसाइज। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो इस वीडियो को ज़्यादा से लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, सबके साथ शेयर कर दीजिए, क्योंकि ये जो घुटने में वाज है ये यंग से लेके एडल्ट से लेके ओल्ड एज सबको ही होती है। तो आप इसके शेयर कर दीजिए वीडियो को ताकि सबको पता लग जाए। और मुझसे 1-to-1 कंसल्ट करने के लिए नीचे लिखे नंबर पर जाके आप उस अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हो, उसकी छोटी सी फीस होती है उसको पे करके आप मुझसे 1-to-1 कंसल्ट कर सकते हो। थोड़ा वेटिंग पीरियड ज़्यादा होता है तो आप पेशेंस रखिए, और साथ ही साथ हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि इसका एक भी वीडियो मिस करने वाला नहीं है। और कोई भी प्रोडक्ट ऑर्डर करना है तो उसको भी नीचे लिखे नंबर पर जाके आप ऑर्डर कर सकते हो, उसके कॉम्बोज बने हुए हैं वो आप वहाँ से पता कर सकते हैं। हैव ए नाइस डे, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।